हेलो एसपीएस एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज का विचार लेते हैं और आज का विचार है वो हमें भेजा है रमेश जैन जी ने। और रमेश जी लिखते हैं, गुरु की सेवेंथ दृष्टि यदि एट्थ हाउस पर पड़े तो क्या होता है। और इस क्वेश्चन के लिए रमेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार रखे और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने विचार रखते रहेंगे ताकि उसके ऊपर हम वीडियोस बनाते रहें। और जैसा आपने पूछा है कि गुरु की सेवन दृष्टि या गुरु की दृष्टि अगर एट्थ हाउस में पड़ जाती है तो क्या होगा। गुरु ज्ञान का कारक है, नॉलेज का कारक है, गुरु विजडम है, गुरु चीज़ों को एक्सपेंड कर देता है यानी एक्सपेंशन का कारक है। एट्थ हाउस यानी ऑकल्ट, निगुण विद्याएं, रिसर्च। एट्थ हाउस का संबंध आपके पार्टनर की सेविंग से भी है। तो गुरु अगर एट्थ हाउस में देखता है और गुरु अगर आपके चार्ट के लिए बेनिफिक है तो एट्थ हाउस की चीज़ों में बढ़ोतरी कर देता है। यानी जब भी गुरु की दशा चलेगी तो ऑकल्ट की तरफ आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा, रिसर्च की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और ऐसे पीरियड में जो आपका लाइफ पार्टनर है वो भी तरक्की करेगा, उसकी जो फैमिली है वो भी तरक्की करेगी, उनकी फैमिली वैल्यू जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन गुरु अगर आपके बर्थ चार्ट में मैलेफिक है और गुरु की दृष्टि अगर एट्थ हाउस में पड़ रही है तो एट्थ हाउस का संबंध ऐसी चीज़ों से भी है कि जहाँ पर आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है, लाइक जैसे ऑपरेशन, लाइक जैसे अचानक से होने वाली घटनाएं, जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं जो अचानक से हो जाती हैं, जैसे एक्सीडेंट का हो जाना, सुनामी का आ जाना, बाढ़ का आ जाना, अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ें भी एट्थ हाउस से देखी जाती हैं। तो गुरु अगर एट्थ हाउस में देख रहा है और आपके चार्ट के लिए अगर मैलेफिक है तो जो भी बुरा असर है उन चीज़ों को भी गुरु कई बार बढ़ा देता है। एक से ज़्यादा ऑपरेशन हो सकते हैं अगर आपको कोई बीमारी है तो। लेकिन आपके चार्ट के लिए गुरु अगर बेनिफिक है तो जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उसको काफ़ी तरक्की मिलती है, उसकी वैल्यू एंड वेल्थ बढ़ती है, उसके परिवार को तरक्की मिलती है और रिसर्च की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या ज्ञान के किसी ऐसे फील्ड में जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए गुरु की जो दृष्टि है वो एट्थ हाउस में अच्छा काम करती है। तो इस तरीके से आप गुरु के एस्पेक्ट को समझ सकते हैं कि एट्थ हाउस में अगर गुरु का एस्पेक्ट पड़ रहा है तो आपको किन किन चीज़ों का बेनिफिट होता है या किन किन चीज़ों का नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन उसके लिए आपको एट्थ हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को भी देखना है। एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर अपने ओन साइन में है, बेनिफिक साइन में है, अच्छी जगह प्लेस्ड है तो चीज़ों में तरक्की मिलती है, बढ़ोतरी होती है। लेकिन एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजिशन में है और गुरु की दृष्टि अगर एट्थ हाउस में पड़ रही है तो ज़्यादा चीज़ें आपके फेवर में नहीं आती हैं कई बार। लेकिन गुरु की जो दृष्टि है अगर एट्थ हाउस में पड़ रही है तो कई बार मंत्र जाप अगर आप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक चीज़ें करते हैं तो उसके कारण भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया गुरु की दृष्टि के बारे में कि गुरु की अगर दृष्टि एट्थ हाउस में पड़ जाती है तो उसका क्या असर आपकी लाइफ में होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने गुरु के बारे में या एट्थ हाउस के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।